हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज के वीडियो की शुरुआत हो रही है अभी। टाइम बता दूं मैं आप लोगों को, टाइम हो रहा है 5:15 और आज सुबह सुबह उठ के मैं मतलब एकदम इतना फ्रेश फ्रेश फील कर रही हूँ, क्योंकि आज मैं मतलब 4 बजे उठी थी। आज मैं ताशु के साथ सोई थी तो सुबह उठ के रोने लग गई, तो फिर मतलब थोड़ी देर रोई, फिर उसको हमने दूध दूध पिलाया, फिर वो फ्रेश हो गई। फिर 4:30 से मैं उसके साथ खेल रही हूँ उधर उधर, तो इसलिए काफी फ्रेश हूँ। और थोड़ी देर अपने अंजर पंजर को थोड़ा खोलते हैं, क्योंकि एकदम फंसे होते हैं मेरी, खासकर मेरी गर्दन जो एकदम फंसी होती है। तो हाँ, मैंने बताया नहीं, मैं अपने घर आई हूँ। तो चलो आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो ये बॉल मुझे सबसे अच्छा माध्यम लग रहा है सुबह सुबह अपने अंजर पंजर खोलने का। उफ भगवान, अभी अभी ना मैं इस ईंट को यहाँ से उठाने वाली हूँ। और यहाँ देखो, तीन तीन बिच्छू दिख रहे हैं आपको, एक यहाँ है, दूसरा वहाँ है, और ये जिंदा है। जिंदा है, दिखाऊँ कैसे जिंदा है? ये देखना, अभी भागने लगेंगे। भाई जी उठो उठो, भाई जी देखो, देखा देखा देखा, दूसरा सोया अभी। बनाना खा रही हूँ, और मेरे को ना मतलब जो ओवर राइप बनाना होती है, जो ज़्यादा पक चुकी होती है, मुझे वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। मतलब लोग छाँटते हैं ना, मतलब जो अच्छी पकी हो, पर मेरे को मैं वो खाती हूँ जो बहुत ज़्यादा पकी होती हो। हमारे जापानी फल भी एकदम तैयार हो गया, इसका फ्रूट बट्स कुछ एक आध हफ्ते में एकदम पक के एकदम पीला पीला हो जाएगा। फिर इसको मतलब पेड़ में नहीं पकता, ये पेड़ में नहीं पकता है, ये पकता है पेड़ से निकालने के बाद। एक दूसरा होता है कच्चे खाने वाला, वो तो पेड़ में ही पक जाता है, बट ये पेड़ से निकालने के बाद पकेगा। और मेरे को ना ये बहुत ही पसंद है, क्योंकि बहुत ही जूसी और यम्मी होता है। तो मैं वेट कर रही हूँ कब ये पकेगा, कब मैं इसको खाऊं। जी से कुछ वार्तालाप करते हैं दादाजी अपनी गाय को घास खिलाते हुए। तो दोस्तों, मैं आपको कल रात की घटना के बारे में बताती हूँ, कल रात को क्या घटना हुई है यहाँ पर। तो रुको, पहले मैं थक चुकी हूँ, पहले मैं आपको बाबू से मिलाती हूँ। बाबू बाबू, हेलो माऊ, माऊ क्या हो गया था कल रात को? क्या हो गया था बाबू कल रात को? क्या हो गया था? ये देखो, इसको इतने नखरे करता है ना। बाबू 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 बाबू। तो चलिए आंटी की जुबानी सुनते हैं कल रात की घटना। हम कल रात को क्या हुआ? कल हम यहाँ बैठे थे शाम को ना, तो जैसे अंधेरा होने ही वाला था, और यहाँ पर दादा भी थे, अंकू भी थे, मैं भी थी और ओई से भी थे। फिर अचानक बिल्ला आया, हमने सोचा कि बिल्ला और दोनों बिल्ले आपस में लड़ रहे हैं। जैसे हमने पीछे देखा कि तेंदुआ अचानक से हमारे मुंह के सामने, हम बिल्कुल एकदम में से सहमे से रह गए कि ये क्या हो गया। अगर तेंदुआ, अगर बिल्ला नहीं होता तो शायद हमारे को भी, हमारे ऊपर भी हमला कर सकता था। वो बिल्कुल यही था, यही था, पास में था, यही नजदीकी बात कर समझ, बिल्कुल यहीं पे दोस्तों, यहीं पे। साथ में सब लोग इधर घूम फिर रहे थे, तो बिल्कुल यहीं पे आ गया। और जैसे उसने सब लोगों को, वो बिल्ले के चक्कर में आया बेचारे बाबूराम के चक्कर में, और जैसे ही उसने स्पीड में, और हाँ एक टांग इसकी लंगड़ी है। हाँ बेचारा फिर भी, और वो सीधा यहाँ से मुड़ गया और जैसे नीचे भाग गया। फिर दादी डरे नहीं आप कल? डर तो यही मेरे दादी को सब ज्यादा टेंशन हो रही थी, मुन्नू और रोजर यार बच्चों का रहता है थोड़ा ना, क्योंकि बच्चे बच्चों के ऊपर ये अटैक कर देते हैं। रात नहीं सोई, नहीं सोई नहीं, नींद नहीं। वो ना दोबारा आएगा, जैसे उसको हाँ, पता है ना कि बिल्ला यहाँ पर है। हाँ, और इसको बार बार, हाँ क्योंकि ऐसे देख के रखते हैं डोरा को भी ना, उसने बहुत बार तो डोरा को लेके ही गया फिर वो क्योंकि बेचारा। वो उसके मुंह से जैसे हाँ मुंह खाने का खन्नी वाला छीन छूट गया उसके मुंह से, और वो दोबारा आएगा पक्का यहाँ। काका काका गुड नाइट, गुड नाइट। बच्चा सुला रही है, काका काका सो रहा है ना, थोड़ा जैसा खा लो बे, प्लीज थोड़ा जैसा प्लीज काका प्लीज।
प्लीज थोड़ा सा, रुक गए रुक गए, थोड़ा सा खा लो, ये लो प्लीज। अच्छा नींद आ रही है आपको? नींद लो, ठीक है सो जाओ, बाय। खाना पीना हो गया। अब ताशु और मैं यहाँ बैठे हुए बरांडे में, ये खेल रही है और गर्मी है ना, आप लोग सोचोगे इसको इतने सारे कपड़े क्यों लगाए हैं, ये बीमार है हल्की सी, इसको फीवर वगैरह है तब इसको इतने कपड़े लगाए, और अभी हल्की हल्की धूप आनी लग गई है, बट आज मौसम ख़राब है, देखते हैं 12 बजे के बाद शायद बारिश हो जाए। काका आजो 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 आजो, इसको अंदर जाना है। हे भगवान तो अभी समय हो रहा है 5:08 और मैं अभी खा रही हूँ एप्पा। तांशु बोलती है एप्पल को एप्पा खा रही हूँ नमक मिर्च लगा के, और ये खट्टे वाले सेब है, ये वाला मुझे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो अभी माता जी और मैं आए हैं भिंडी के लिए, वहाँ है पीछे थोड़े से ही डाल है, बट तीन आदमी लाइक काफ़ी सब्जी बन जाता है इसे। टूटती क्या है? खराब होती है बस। क्यों नहीं लगती है? टूटी टूटी, ये लो। ये क्या है आगे, इसमें टोपी क्यों लगा रहा है? फूल इसमें ये। अच्छा कौन जो? और ये दिखाओ मैं आपको, बेबी बेबी लेडी फिंगर, ये देखो छुटकू छुटकू, और ये तो अभी बिल्कुल फूल ही है। जब भी हम थोड़ी रील्स बना रहे थे लेकिन बन हम मेरे कुछ कैमरा हिल रहा है और थोड़ा क्वालिटी थोड़ी गंदी आ रही है। एक तो प्लेस अच्छा नहीं, ऊपर दीदी ने इतने फिल्टर इतना बकवास सा रखा है यार, फिल्टर अच्छा था नहीं था। अभी ओजल और मैं बैठे हुए हैं यहाँ पे एकदम इन अरबी के पत्तों के बीच डब्बे, तो अभी हम लोग जा रहे हैं नीचे। पुनपुन दिख रही है आपको नीचे गई? नहीं नीचे देखो, तो अब चलते हैं नीचे, थोड़ी देर नीचे बैठते हैं। वो देखो नीचे मोंगी बैठी है, एप्पल वेप्पल खाते हैं। फिलहाल ये डरे हुए कल रात के, जब से तेंदुआ वगैरह आया हुआ तब से सिट्टी बिट्टी गोले इसकी नहीं, बट मुन्नू बहुत डरी हुई है जब से तेंदुआ आया कल रात से। बिल्कुल यार, सब लोग बैठे हुए, खाना भी नहीं खाया था हम लोगों ने, तब बैठे हुए थे बाहर गप्पे मारे थे हम लोग, इधर बाहर थे आगे मम्मा के पैर आगे भी सब लोग बाहर थे। बिल्कुल उस बिल्ली के पीछे है ना जो उनका बाबू, उसके पीछे भाग कर आया, और जैसे मतलब उसकी उसने जैसा होता नहीं है फिल्मों में एकदम से ब्रेक लगाते गाड़ियाँ कैसे फिसलती है ना फिल्मों में, रियल लाइफ में भी होता है, तो उस तेंदुए की भी वैसे ही ब्रेक लगी और उसके पैर वैसे फिसले उसने, और वैसे ही मुड़ गया जब उसने देखा कि वहाँ बहुत सारे लोग हैं, तब डरे हुए। क्या बन रहा क्या बन रहा? अभी मैंने लड्डू बनाए नहीं है। मनाए लड्डू नहीं बनाए हैं क्या? ठीक है दीदी अपलो प्लो प्लो वॉलर छक्के पड़ते हुए डबल अपलो वॉलर, बस डबे बस छक्के खा रहा तू, बता तो दे बन बना क्या है ये लड्डू? लड्डू है देखिए, ये बस बस कागज है पता है, बूंदी के लड्डू बनाए इसने, बूंदी के मोतीचूर के काई के मोतीचूर, ओके मोतीचूर के लड्डू। हम जा रहे थे शिल्प पर, दीदी को पता नहीं क्या करना है, क्या करना है मुझे खाने है खोल, अखरोट को हमारे लिए लोग उसमें बोलते हैं, हमारे तो क्या बोलते खोल, बट टोन अलग अलग आता है, कहीं खोल खोल मैं आपको अखरोट का पेड़ दिखाता हूँ, देखिए ये हमारा अखरोट का पेड़, और दीदी बेचारा शहीद होने वाला है, ये देखिए यहाँ से गिर गया है ना, तो उस वजह से बेचारा टेढ़ा हो गया है। वो देखिए
इसका जो सड़ा नहीं है मुन्नू, ये उतर रहा है ना इसकी बाहर वाली कवर, ये सड़ा नहीं होता, इसके अंदर जो होता है वो खाते है। ये भाई ये कितनी प्रोडक्शन होती है, पहले बाहर से कवर, फिर उसके अंदर एक और कवर, फिर एक और कवर, फिर जाके खाने को मिलते हैं। कि गाइस कितने काले हो जाते हैं इससे हाथ, हाथ बहुत गंदे होते हैं। ये बड़ा भयंकर चीज है। कितने ही अखरोट, अरे गिर गया दीदी, किस तरीके का है, टेस्ट करना चाहते थे लेकिन गिर गई। मेरे को दो ना, ये देखिए बड़ दादी स्टेज में भी इतनी काम हुई, बड़ दादी बने हुए हैं, काम कर रहे हैं। अच्छा मेरे को लगा गिर गई है। अभी भी बड़ दादी गोबर लेके जा रहे हैं। वाह यार इतना मस्त आ रहा है ना पीछे ग्रीन ग्रीन सा। इधर का थोड़ा सिस्टम खराब हो गया, नीचे गिर गया है ये वाला, दादी वाला में कौशल है, ये सारा ही नीचे ये गिरने वाला है। दीदी का प्लान वो लकिया लेट जाते हैं, मस्त मजा आया। और हमारे सराहने देखो, सराहने दीदी का जुगाड़ था, चप्पल डाली हुई है क्योंकि बहुत मजा आ रहा है। मैं आपको दिखाऊं एक दिन, दो उधर उधर भैया, ये ऐसे हम दोनों सोए हैं ना, और ऊपर इतना सही लग रहा है ना यार, मजा ही आ रहा है। ये देखो इधर लेटे पड़े पड़े मुन्नू उधर कर रही है, थोड़ा बहुत सा काम खा गई हो तो उधर डाल रहे अपनी सब्जियों में पानी। और मुझे भी क्योंकि उसिया ले रहे हैं क्योंकि हमको यहाँ पर लेटे लेटे मजा आ रहा है। हमारे साथ एक लूडो जैसा क्यूटी पाई और आ गया है। गुड मॉर्निंग काका, आई सोया हुआ था अभी तक। हम लोग यहाँ पे बैठ के मस्त खा रहे हैं डेरी मिल्क पार्टी। जय मिल्क और जय मिल्क। क्या खा रहे काका, क्या खा रहे? तो मम्मी सब्जी काट रहे इधर, और ओजी इधर, मुन्नू उधर, मैं छानबीन कर रहा हूँ।